Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video again for Ankita Lokhande. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि संदीप सिंह अंकिता लोखंडे के बारे में क्या सोचते हैं. मैं ये कार्ड से दो प्रश्न रखूँगी कि पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोच रहे हैं. तो ये मैं दोनों चीज़ का प्रश्न यहाँ पे रखूँगी अपने कार्ड्स के सामने कि वॉट संदीप सिंह थिंक्स अबाउट अंकिता अर्लियर, पहले वो क्या सोचते थे. मेरे पास सबसे पहले यही है, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, कोई प्लीज़ मुझे बताएं कि अंकिता लोखंडे के बारे में संदीप सिंह पहले क्या सोचते थे. जब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी सुशांत के साथ और एक फ्रेंड सर्किल था तीनों का, तो उस वक्त क्या सोचते थे संदीप सिंह अंकिता लोखंडे के बारे में. संदीप सिंह वही जो उनका फ्रेंड बना सुशांत का और फिर बाद में चीट किया, धोखा दिया, वो क्या सोचता है अंकिता लोखंडे के बारे में संदीप सिंह. यहाँ पे जो कार्ड्स आया है, सबसे पहला कार्ड आया है कि संदीप सिंह जो हैं, अगर मैं कहूँ कि उनके दिमाग में क्या चलता रहा होगा अंकिता लोखंडे के लिए, इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं रिलेट करूँ तो उनका ये एक बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं. मतलब प्यार नाम की चीज़ तो उसके दिल में नहीं है, संदीप के दिल में बहुत प्यार ना, क्योंकि जो प्यार वही करेगा जो एक अच्छा इंसान होगा. लेकिन यहाँ पर कार्ड्स हामी नहीं भर रहे हैं. वो अंकिता के बारे में गलत सोचता था, उसको लगता था कि इन दोनों के किसी तरीके से झगड़ा हो जाए सुशांत और इसके बीच में, और अंकिता के जो है वो बहुत सारे अफेयर्स हो जाएं. ये इतनी खूबसूरत है, इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड बन ही सकते हैं, ऐसा क्या है. तो मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं बहकाया होगा सुशांत को भी, कहीं ना कहीं कहीं इनडायरेक्टली ज़रूर बोला होगा उसने, क्योंकि उसके विचार अंकिता के लिए अच्छे नहीं थे. तो यहाँ पे थर्ड कार्ड यहाँ बताता है कि उसने इसी बात को अच्छे से जो है स्टक्ड हो गया था एक ही बात पे, ओपन माइंडेड नहीं था अंकिता लोखंडे के लिए, कि सोच रहा हो कि नहीं वो एक अच्छी लड़की है, जिम्मेदार लड़की है, एक अच्छे परिवार से, ऐसा कुछ भी नहीं. बस उसके बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं, इतनी खूबसूरत होगी तो कुछ ना कुछ तो उसके बॉयफ्रेंड होंगे ही पिछले भी, क्या मालूम क्या. इस तरह की सोच संदीप सिंह रखते हैं अपने उस वक्त पहले, जब ये लोग की फ्रेंडशिप जब हुई थी संदीप सिंह और सुशांत की. तो यहाँ पे कार्ड यहाँ बताता है कि एक ही चीज़ से स्टक्ड रह जाना, एक ही आदत से, एक ही बैड हैबिट से. तो यहाँ पे ये भी बताता है ये कार्ड कि संदीप सिंह सोचते रहे होंगे अंकिता के लिए कि ये जो है तो ये बहुत मैच्योर है, तो बहुत मैच्योर, लेकिन ये इतनी मैच्योर है कि किसी को भी जो है अपना जो है वो बना सकती है बॉयफ्रेंड. इस तरह का ये जो कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि कई सारे इसके अफेयर्स हो सकते हैं, इस तरीके से ये सोचता था संदीप अंकिता के बारे में. और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि वो अंकिता के साथ जो था वो एक सोच रहा था कि नई जो है वो शुरुआत करना चाह रहा था. मुझे नहीं मालूम किस चीज़ की नई शुरुआत थी, मुझे लगता है कि करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके दिल में कोई प्यार नाम की तो कोई अच्छी भावना तो थी नहीं. तो उसको लगता था कि जब भी सुशांत के साथ हो सकती है तो मेरे साथ थोड़े समय के लिए, जैसे नहीं वो टाइम पास कर ले, तो ये ट्रिक वाला आया हुआ है, मैजिशियन, मतलब कि चलाकियाँ खेलना दिमाग में, केवल जो है चनाकियाँ घूमना और गंदी बातें घूमना और सोचना कि इसके साथ जो है फिल्म बनाएंगे कोई अच्छी सी और जो है वो अपनी फिल्म केवल काम निकालने के लिए. एक नई शुरुआत है तो, लेकिन गलत सेंस में उसने सोचा, ट्रिकी माइंड बहुत ज़्यादा. और उसने अंकिता लोखंडे के लिए सारे रास्ते जो हैं कहीं ना कहीं बंद करने चाहे और बंद भी कर दिए बॉलीवुड में, ताकि वो आ ना सके. उसको पता था कि कहीं ना कहीं से ये सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी, इतनी अच्छी है, देखने में टैलेंटेड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सफल तो हो ही जाएगी, तो क्यों ना जो है इसके सारे रास्ते बंद कर दो. उसको पता था कि कहाँ से ये निकल सकती है अपने सक्सेस के लाइफ में, कहाँ ये आगे बढ़ सकती है. लेकिन यह कार्ड ये बताता है कि ये उसको बाउंड करना चाह रहा था, इसके सारे रास्ते बंद करना चाह रहा था. मतलब ये बहुत ही, मैं ये कहूँगी फ्रेंकली कि ये सोच ठीक नहीं है, जैसे वेरी बैड थिंकिंग अबाउट अंकिता. तो बहुत अच्छे विचार तो उसके नहीं हैं. कार्ड्स आपके सामने हैं, आई थिंक ये आपको आंसर मिलेगा. जिस किसी ने मुझसे ही पूछा था कि संदीप सिंह अंकिता लोखंडे के बारे में क्या सोचता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.